Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and respectable parents, Assalamu alaikum. We have been facing very difficult situation for the last month, particularly in the profession of education, where we have to deal with the young minds and their parents. जहाँ एक तरफ COVID-19 की वजह से लॉकडाउन का सामना है, वहाँ दूसरी तरफ हमें बच्चों के वक्त के ज़िया की भी फिक्र है. हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ बच्चे बहुत कम उम्र से ही डिजिटल डिवाइसेस से मुतारिफ हो जाते हैं. जहाँ डिजिटलाइजेशन के मनफी असरात हैं, वहीं इसके कुछ मुस्बत पहलू भी हैं. आज की नई नस्ल अपने बड़ों से ज़्यादा डिजिटली स्किल्ड है. इन दिस सिचुएशन वी थॉट व्हाई नॉट यूज देयर वंडरफुल लर्निंग एबिलिटी फॉर एजुकेशन पर्पस. हर नए काम की तरह यह भी एक मुश्किल मरहला था जिसमें हमें वालिदैन, स्टूडेंट्स और अपने टीचिंग स्टाफ का भरपूर ताउन दरकार था. द प्रॉब्लम्स वी फेस्ड, यानी कि जो मुश्किलात हमें पेश आईं, टीचर्स वर गिवन ट्रेनिंग फॉर प्रिपेयरिंग वीडियो लेसन्स, स्टूडेंट्स फोन नंबर विद स्मार्टफोन वर कलेक्टेड, एडमिनिस्ट्रेशन मेड द टाइमली डिसेमिनेशन ऑफ लेसन्स पॉसिबल. वी वॉन्टेड दीज वीडियो लेसन्स टू बी, कि हम चाहते थे कि ये वीडियो लेसन्स ऐसे हों जो कि करिकुलम बेस्ड हों. बोथ ऑडियो और वीडियो एड्स शुड बी यूज, यानी कि ऑडियो और वीडियो डिवाइस उसमें इस्तेमाल हों. And activity based and homework should be included. Waiting for the response. फिर हमें इसके वालदैन और स्टूडेंट्स की तरफ से इसका रिस्पॉन्स भी चाहिए था. क्या would all the students be able to participate? क्या सारे students इस काबिल होंगे कि वो इसमें हिस्सा लें? Would teachers be able to ensure smooth flow of video lessons? Would students be able to understand the lesson and do the homework? Today we are happy because aaj hum khush hain kyunki we have been able to send 70 videos to 11 different grades from nursery to 9th class in 2 weeks. The videos have been viewed more than 3,000 times. The images of homework sent by students is telling us that they have understood the lessons very well. हमें रोजाना की बुनियाद पर कम से कम 30 से 35 होमवर्क की इमेजेस मौसूल हो रही हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे टीचिंग स्टाफ ने भी भरपूर मेहनत की और उन इमेजेस को डिजिटली चेक करके वापस बच्चों तक पहुंचाया. इस सिलसिले में हमने सोचा कि क्यों ना हम स्टूडेंट और टीचिंग स्टाफ की इस मेहनत को सबके सामने लाएं. हमने उन बच्चों को स्टार्स ऑफ द एसएसएस का नाम दिया, यानी कि वो सेवियर स्कूल सिस्टम के स्टार्स हैं. ये आप देख रहे हैं कि टीचर्स ने डिजिटली होमवर्क को चेक करके वापस बच्चों तक पहुंचाया. अब देखें हमारे वो एसएसएस के स्टार्स कौन हैं जिन्होंने होमवर्क करके भेजे हैं. वो हम जूनियर लेवल से शुरू कर रहे हैं और सीनियर लेवल तक आपको उनके नाम बताते हैं. सबसे पहले कामिल हैं केजी के, उसके बाद मुस्फिरा शिराज क्लास 1, अजर केजी, वरीशा शोएब फ्रॉम क्लास 1, गुलेरुख फ्रॉम क्लास 1, हसनैन रजा नर्सरी, हुसैन रजा क्लास 2,
Atika from class 1, Myra Bibi from class 1, Umaila Zareen KG, Shahir Elai from class 2, Talha from KG, Fatia Mubarak from KG, Haris from class 1, Aima Batul from nursery, Yasim Nawaz from class 3, Aman Bibi from class 3, Aban Khan from class 3, Saik Shiraz from class 3, Muhammad Siam from class 4, Rizwan Heather from class 4, Laiba Sami from class 3, Muhammad Yahya from class 3, Umar Khan from class 4, Natasha Akbar from class 4, Abresh Mubarak from class 4, Fat from class 2, Ubaidullah from class 9, Aliya Sultan from class 9, Afifa Sultan from class 7, Saddam Hussein from class 7, Hassan Raza from class 6, Lareb Nawaz from class 7, Soban Kamran from class 8, Abresh Alam from class 5, Rayan Khan from class 5, Vardhan from class 5, So where, my dear students, instead of giving up, try again. यानी कि वो बच्चे जिन्होंने अभी तक हमें अपने होमवर्क सेंड नहीं किए, वो इसको छोड़ें ना, बल्कि अपनी कोशिश जारी रखें. Because failure is only the opportunity to begin again, only this time more wisely.